दमोह जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत आने वाली इमलिया घाट चौकी के अंतर्गत एक गांव में एक महिला के द्वारा यह कदम उठा लिया गया और जिसके बाद परिजन उसे लेकर के अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस विषय में पुलिस के द्वारा मामला कायम किया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। थाना प्रभारी तेजगढ़ ने घटना की जानकारी दी और इस विषय पर परिजनों से आगामी दिनों में पूछताछ कर मामले में पूरी जांच की बात कही है। इस वजह से महिला के द्वारा यह कदम उठाया गया, इसकी जांच पुलिस की जांच के बाद ही और इसका पूरा खुलासा पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगा। रविंद्र जैन छोटू की रिपोर्ट। नव आयता है, 20 साल उम्र है, तो अभी उसके कारण ज्ञात नहीं है। तो उसके पूरा इसके पीएम के लिए यहाँ पे जांच के सर लाए थे, यहाँ पे एपीएम के लिए रखा गया था। जैसे आगे जांच होगी वैसे वो आगे आपको बताएगा। प्रथम दृष्टया सर क्या सामने आता है? अभी तो मरकाम इसमें किया गया है, आगे जांच की जाएगी और जैसे जो भी कारण आ जाएंगे इसको उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोई शिकायत अगर आई थी क्या इसके पर? नहीं, अभी इसके बारे में कोई शिकायत नहीं आई थी, अभी सब कुछ ठीक है। मायका और ससुराल दोनों एक ही गाँव के हैं, ग्राम इमली के हैं और ऐसी समय अभी कोई बात नहीं है। जैसे आगे होगा परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है? परिजनों द्वारा भी कोई आरोप ऐसा नहीं लगाया गया है अभी सर। परिजन सोका गुरु बयान देने की स्थिति में है, पीएम हो जाए उसके बाद डायरेक्ट और कायम करके मर कायम करके उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।